हाँ आजा भैया, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनाडा में खाली एक ही दिन एयरपोर्ट से उतरते ही पहले ही कैसा एक ही दिन में आप जॉब ढूंढ सकते हैं भैया। तो मैं बताता हूँ भैया कि मैं जो 10 जगह पे जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, आगे ये 10 जगह पे मैं अपनी कार में आपको लेके घुमाऊंगा भैया, और वहाँ पे पाटिया मारा होगा, बोर्ड लिखा होगा कि अर्जेंट रिक्वायर पर्सन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, वीडियो अंत तक देखिए भैया। और ये 10 जगह को मैं आज ना भैया करीबन मेरे को 110 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी इस वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियो भैया के धीरू भाई अंबानी के जो बच्चे होते हैं मुकेश अंबानी जैसे, जो हमारे राजा बाबू, उनके लिए नहीं है ये वीडियो, उनके लिए है जो हमारे जैसे जीरो में से ऊपर आना चाहते हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार है भैया, उनके लिए है भैया। और मैं बताता हूँ, मैंने भी ऐसा ही जॉब किया था। मैंने मेरा पहला जॉब था वो खाली $11 का था भैया, और अभी हम लोग एक घंटे का $100 के हिसाब से काम करते हैं भैया। तो जीवन में चेंज बहुत आता है, मैं आपका टाइम बहुत भी व्यस्त नहीं करूँगा भैया। तो अभी हमारी गाड़ी जो वहाँ पर पड़ी है भैया, उसको लेके चलते हैं भैया, और आपको मैं 10 जगह एक के बाद एक सब बताता हूँ भैया, और पूरा डिटेल बताता हूँ जॉब कैसे एक ही दिन में मिलता है, ठीक है। हाँ भाई, तो पांचवी जगह ये ग्रोसरी स्टोर, मैं अभी आपको अंदर से बताता हूँ भैया कि यहाँ पे कैसा एडवर्टाइजमेंट लगाया है। आदमी चाहिए, लेबर चाहिए काम के लिए, तो उसका मैं अभी आपको एडवर्टाइजमेंट बताता हूँ, ठीक है। तभी चलते हैं, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे भैया, हम लोग पहले ट्रॉली ले लेते हैं, भैया बहुत चिल्लाएगा। देखिए भैया, यहाँ पे लिखा है न्यू आंबुचो, यानी कि हम लोग यहाँ पे नौकरी की भी इनको खूब जरूरत है मानसों के लिए। देखा भैया, लिख लो नंबर और ईमेल भी। तो यहाँ पे ऐसा ग्रोसरी स्टोर होता है भैया, देखिए ग्रोसरी स्टोर में सामान गुठाने की जॉब कैसी होती है आपको देखना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अगली ट्रॉली में। ये भाई सामान कर रहा है, दीदा अंकल है भैया, इसकी ट्रॉली है ना, ऐसा सामान देते आपको अंकल, कैसा सामान कर रहा है ना, देखिए एकदम इजी जॉब है भैया, कोई हार्ड नहीं है, एक ही दिन में ये जॉब आपका लग जाएगा। बोंजूर, बेमेसी बो कुछ थ्रूवे शांति मस्यू, जैसा अंकल जैसा जॉब आपको मिल सकता है एकदम आराम से भैया, और ये एकदम सही काम होता है। यहाँ पे कैशियर की जब ऐसी होती है अच्छी मिला करना, तो ग्रोसरी स्टोर में इन लोगों को कैशियर की ज़रूरत है, या आदमी को ये सब सामान ऊपर रखने के लिए ज़रूरत होती है भैया, ये सब फ्लोर क्लीनिंग के लिए काम की ज़रूरत होती है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड के लिए ज़रूरत होती है। यहाँ पे जॉब एकदम सरल और ईजी होती है भैया, हमने ग्रोसरी स्टोर में काम किया है 6 महीने तक भैया, यहाँ $12-15 पगार मिलता है। शुरुआत में यह जॉब बहुत अच्छी है, उससे आपका इंग्लिश और फ्रेंच भी बढ़ जाएगा। तो अभी मैं आपको अगले लोकेशन पे ले जाता हूँ भैया, लेकिन ये ग्रोसरी स्टोर में एक और क्या फ़ायदा है, अगर आपने वॉलमार्ट जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर में काम किया भैया, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है भैया। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, ऐसे ही कॉन्टैक्ट बन बन के भैया आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको अगला जगह बताओ कहाँ पे आपको तुरंत खाली एक दिन में जॉब मिल सकता है, ठीक है। हाँ बस, यहाँ पे ये टी मॉर्टन बोले थे, ये चाय पानी की दुकान होती है भैया। कनाडा में गांव गांव में, हाईवे में, सिटी में, छोटे से गांव में पानी की सुविधा नहीं होती, लेकिन चाय कॉफ़ी के लिए टी मॉर्टन होता है भैया। वो लोग हमेशा भैया है ना पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉय को जानते हैं, और ये लोग सिखाते हैं आपको ये जॉब कैसे करते हैं पूरा का पूरा। अगर आप नए आए ना भैया, तो यहाँ पे जॉब के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि जॉब की वैकेंसी कहाँ पे लगी है, आप मेरे पे विश्वास कर रही है मत, मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों के एम्प्लॉय की इतनी ज़रूरत है कि बाहर बहुत सा बड़ा पाटिया मारा है, तो मैं अभी दिखाता हूँ बाहर से ही आपको कि मिल गया पाटिया। देखिए भैया, देखा भैया, यहाँ पे लिखा है मेंबर इक्विप टाइम पार्शियल फुल टाइम टाइम पार्शियल, हमको आदमी की ज़रूरत है भैया। तो अभी चलते हैं दूसरी जगह पे भैया, तो आप मेरे को, मैं हर जगह पे आपको बड़ा बड़ा पाटिया मारा होगा, वहाँ पे अंदर से तो मैं सब जगह पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जॉब ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया जगह भैया हमारा एक्सपीरियंस है मैकडोनाल्ड, हमने भी वहाँ पे काम किया है भैया, और हमने, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भैया। हमने शाम को 6 बजे CV दिया, 7:30 बजे फ़ोन आया था, हम साइकिल लेके वहाँ पे पहुँच गए भैया, रात की 11 बजे की शिफ्ट में हमने काम शुरू कर दिया भैया। और ये सब चीज़ें मैं आपको सोशल मीडिया में बता रहा हूँ, यानी कि गप्पे नहीं हाँक रहा हूँ भैया,
अभी मैं बताता हूँ ये लोग कितने पगार देते हैं और कहाँ पे उनकी जॉब की वैकेंसी की पाटियाँ लगाया है, यानी कि बोर्ड लगाया है, ताकि आपको मेरे पे विश्वास आए, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये भैया खाली फोकट में गप्पे मार रहे हैं। अभी हम लोग चलते हैं, ये उसका एंट्री है और इनको इतनी ज़रूरत है भैया, इतनी ज़रूरत है आदमी के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ था, मैंने कल देखा था। कहाँ गया? हाँ तो मिल गया पाटिया भैया। तो ये देखिए यहाँ पे, देखा भैया ड्राइव थ्रू में यहाँ पे लिखा है कि हम लोग अभी जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, 50% फूड फ्री में मिलेगा भैया, पगार अच्छा मिलेगा, रात की शिफ्ट में काम करेंगे ना भैया तो प्राइम मिलेगा प्राइम। और इस एम्प्लॉय ये ईमेल पे आप जवाब करेंगे ना भैया, मैं बोलता हूँ विद इन वन डे भैया आपको जॉब चालू हो जाएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं भैया जॉब कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे कनाडा में जॉब ढूंढना एकदम आसान है। तभी मैं आपको तीसरी जगह पे ले जाता हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा कि गाड़ी वाला मेरे को कचड़ ना डाले भैया, कि दौड़ दाम में है ना भैया हम लोग बहुत भागते हैं। और यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ कि यहाँ पे कितना इसके पीछे भी बहुत बड़ा पार्टियाँ लगाया कि भैया हमको आदमियों की अर्जेंट तात्कालिक ज़रूरत भैया। तभी चलते हैं अगली जगह पे। हाँ तो भैया ये जॉब के लिए चौथी जगह आया, यहाँ पे तो बहुत ही मांग है और इसका नाम है सबवे। मैं अभी आपको अंदर में जाके आपको जो बड़ा सा पाटिया लगा है, बोर्ड लगा है, वो दिखाता हूँ कि अभी एम्प्लॉय की खास ज़रूरत है। इस सबवे में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या पता है, खाना भोजन आपको फ्री में मिलता है 50% में भैया। कई कई है ये ऑनर तो इतने अच्छे आपको फ्री में ही दे देते भैया। और यहाँ पे वर्किंग कंडीशन एकदम बढ़िया होता है, आपको पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा चाहे ऐसा जॉब मिल सकता है भैया। और ये स्टूडेंट लोगों के एकदम लिए बढ़िया है भैया। ये यहाँ पे अगर आप कैनरा से, मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ लेकिन थोड़ा सा भाषणबाजी कर देता हूँ भैया, कि यहाँ पे ऐसे अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया से ही एप्लीकेशन डाल दो भैया, तो यहाँ पे आके आपको तुरंत जॉब मिल जाए नंबर वन भैया। और जब इंटरव्यू में बुलाएं तो ये कोई इसमें आइंस्टाइन का रॉकेट साइंस नहीं पूछते भैया, इंटरव्यू में खाली देखते हैं आप कैसे पोलाइट हो, आपको इंग्लिश विंग्लिश आती है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका रेफरेंस कैसा है, ये सब चेक करते। तो अभी मैं आपको सबवे अंदर में जाके बताता हूँ भैया। देखिए तो ये सबवे स्टोर जैसा अपना इंडिया में होता है ना भैया, ऐसा ही स्टोर है देखिए। और यहाँ पे अभी तो हम लोग अभी अंदर भी नहीं गए, ये बहन सैंडविच लेके आ रही है। और यहाँ पे लिख रखा है न्यू आम्बू शो, देखा भैया आदमी की सख्त ज़रूरत है। अभी अंदर जाओगे तो ईमेल वीमेल भी है उनके है और उनको इतनी ज़रूरत है भैया, आपने ईमेल लिखा तुरंत ही बोल दे कि अभी इंटरव्यू देके अभी चालू करना, ये हालत है भैया देखा। तो अभी मैं आपको अगली जगह पे ले चलता हूँ। और आज -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भैया, उसमें मैं आपको 10 स्टोर दिखा रहा हूँ। लाइक भी कर दो भैया ये वीडियो देख के, ताकि और लोग भी हमारे भाई साहब देख सके भैया, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तभी अगला स्टोर पे जाता हूँ भैया, लेकिन लाइक करना मत भूलिए भैया, ठीक है। तो चलिए अगला स्टोर पे। तो ये पाँचवीं जगह है, उसका नाम है कैनेडियन टायर भैया। ये हर गांव में लगा हुआ है कैनेडियन टायर, यहाँ पे गाड़ी का रिपेयरिंग करता है, उसका मैकेनिक का पगार बहुत बढ़िया होता है। अंदर जाके मैं आपको पूरा डिटेल टूर देता हूँ, उससे पहले देखिए हमारे गांव में कितनी बड़ी बिल्डिंग लगी है। अगर मैं आपको कैनेडियन टायर में बताता हूँ, अगर आप जॉब करने चले ना भैया, तो आपको एकदम फ्रेंडली रहना है, एकदम सबको स्माइल से अच्छी तरह बुलाना है भैया, ये बहुत ज़रूरी है आपको प्रमोशन के लिए भैया। यहाँ पढ़ाई बढ़ाई तो ठीक है, लेकिन कितने फ्रेंडली हो, कितने कस्टमर सर्विस हो, आप कितने टीम वर्क में काम कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। और तो कोई भी जगह पे जाइए, मैं तो बोलता हूँ भैया हमेशा देखिए आज कितना ठंडी है, -35 अरे तेरी, हमेशा भैया हार्ड वर्क कीजिए और स्माइल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ पे कहीं पर लगाया हुआ तो हम लोग अभी आदमी की बहुत ज़रूरत है, चलिए देखते हैं कहाँ पर लगाया है उन लोगों ने। यहाँ पे अभी कोविड का टेस्ट का भैया बहुत माथा कूट है, यहाँ पे सबका स्कैन कर रहा है, बहुत देर लग जाएगी। तो अभी मेरे को वापस जाना तो भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे वन डे एंट्री है। तो अभी मैं अंदर जाके भैया जो वैकेंसी की जो जाहरात रखी थी वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ भैया, देख लो। तो ये मैं अंदर फ़ोटो नहीं पाया क्योंकि मैडम को अच्छा नहीं लगा, मैं ये वीडियो कैमरे का घूम के ले रहा था तो हमको ना बोल दिया, तब उसका मैंने फ़ोटो यहाँ पे लगा रखा भैया। तो अभी हम लोग चलते हैं छठी जगह पे। अब मैं बताता हूँ भैया यहाँ पे कैनेडा में जॉब ढूंढना कितना एकदम आसान है भैया, बच्चों का खेल है बच्चों का भैया। यहाँ पे अगर आपको धीरूभाई अंबानी बन के भैया अच्छी जॉब ढूंढने जाओगे ना, तो सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए ना भैया, अच्छी जॉब तो ढूंढने का, लेकिन पहले से भैया नोट बनाने का, आते ही काम शुरू कर देने का। पहला ऐसा नहीं कि हम लोग तो भैया ये राजा बाबू बन के भैया 2 साल तक भैया जॉब ढूंढते रहेंगे,
वो जॉब आपको एक हफ्ते दो हफ्ते एक महीने दो महीने जब ही मिले, लेकिन ऐसे चिला चालू जॉब करने से आपका पैसा का घर का खर्चा शुरू हो जाएगा भैया। तो अभी हम लोग अगली जगह पे चलते हैं। हाँ, तो जॉब सर्च करने के लिए अगला पड़ाव है भैया ये वॉलमार्ट। यहाँ पर कैनेडा में हर सिटी में ऐसे बड़े बड़े 5, 6, 7, 10 वॉलमार्ट लगे हुए हैं भैया, और उनके स्टाफ या 50-100 आदमी होते भैया। 24 घंटा यहाँ पे काम चलता है। यहाँ पे कैशियर की, सामान रखने वाले की, भैया सभी लोगों की ज़रूरत है। और उसमें जॉब लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते, तो अपना CV भैया रिसेप्शनिस्ट को भी दे सकते हो भैया। मैं भी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि वॉलमार्ट का जॉब एप्लीकेशन का पोस्टिंग कैसे लगता है भैया। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो भैया। और यहाँ पे नाइट में जॉब करते हैं, हमने पहला जॉब किया था भैया। तो क्या ये लोग प्राइम भी देते हैं, यानी कि आपको अच्छा सा पगार भी मिल जाता है नाइट में काम करने से। तो वॉलमार्ट में जॉब करने का फ़ायदा बहुत है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका डिस्काउंट 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये है। तो अभी जो कैनेडा में काम कर रहे हो भैया, कैनेडा से कोई और कोई वीडियो देख रहा है तो हमको बताओ भैया कि अगर आप कैनेडा में काम करते हो वॉलमार्ट में तो कितना डिस्काउंट मिलता है। तभी अंदर जाके मैं आपको वॉलमार्ट का जॉब वैकेंसी का पैकेज बताता हूँ, बोर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। वॉलमार्ट में आज बहुत सारी भीड़ है भैया, तो अभी मैं आपको ये पार्टियाँ कहाँ पे लगा है बोर्ड जॉब वैकेंसी का वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखा भैया वॉलमार्ट में जो बहन खड़ी उसके पास में ही लगा था। अभी मैं आपको अगला 7वीं जगह पे ले जाता हूँ, वहाँ पे कहाँ पे जॉब वैकेंसी का पार्टियाँ लगा हुआ है। तो चलिए भैया, अभी अगली जगह है वो डॉलरमा भैया। मैं आपको वहाँ पे जाके अंदर से बताता हूँ कि जॉब पोस्टिंग का कहाँ लगा हुआ है। लेकिन डॉलरमा एक ऐसी जगह है भैया, यहाँ पर हर चीज़ भैया $1 से $3, $4 तक मिलती है भैया। और यहाँ पर जॉब लेना एकदम आसान। मेरे दो बड़े अच्छे दोस्त थे भैया, वो इंजीनियर थे भैया, और यहाँ पर जब जॉब ढूंढ रहे थे तो पहले आके डॉलरमा में शुरू हो गया। फिर एक या दो हफ्ते के बाद उनको उनके फील्ड में जॉब मिल गई। यहाँ की यहाँ पे जॉब का चांसेस बहुत इजी क्या है पता है भैया, क्योंकि आपको जो शिफ्ट में चाहिए, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसा भी चाहिए, सब अवेलेबिलिटी है भैया। देखिए आ गया हमारा डॉलरमा भैया, हमको थोड़ा शॉपिंग भी कर लेना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितना बड़ा डॉलरमा, देखा भैया। और यहाँ पर आते ही सीधा लिखा हुआ है, देखा भैया, ज्वाइन यू इक्कीप द गानी, यानी कि डॉलर की टीम ज्वाइन कीजिए। मैनेजर की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इक्कीप, और टेम्पररी एसोसिएट कैशियर की ज़रूरत है भैया। जो आदमी चाहिए सबके लिए जॉब जरूरत, देखा भैया एंट्रेंस में हर जगह पे लिखा हुआ है कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, आदमी चाहिए, आदमी चाहिए। आदमी है ही नहीं भैया कैनेडा में, जॉब लेना बहुत ही आराम से है। हम लोग थोड़ा अंदर से खरीदी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 10 जगह का बात किया था, लेकिन मैंने अभी और 7 जगह देखी भैया। इतनी जगह पे जॉब खाली, अगर मैं सुबह से शाम तक वीडियो बनाने बैठूँ ना तो कम से कम 50 जगह पे आपको जॉब वैकेंसी के दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आया भैया एक शू के स्टोर पे भैया, अभी आके यहाँ पे खड़ा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखा भैया जॉब की जगह, देखा देखा ये जॉब की वैकेंसी, ये शू का स्टोर है भैया। तो हर जगह पर ऐसी यहाँ पर जॉब की वैकेंसी भैया। तो अभी अगले मैं आपको अगली जगह पे ले जाता हूँ, और उसके बाद मैं अपना एक प्रॉपर्टी भी आपको दिखाऊंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो, ठीक है। तो अभी चलते हैं अगली जगह पे। तो अभी हम लोग मॉल में जा रहे हैं, देखिए भैया इतना बड़ा मॉल है, यहाँ पे वैकेंसी ही वैकेंसी लगी अभी कोविड की वजह से भैया। तो कहीं भी अगर आपने जॉब किया भैया तो आपको एक ही दिन में जॉब का मेल पड़ जाएगा तुरंत ही, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है। लेकिन जॉब अप्लाई करने के लिए मैं आपको थोड़ा एक आध टिप दे देता हूँ। ये सामने वाला मैं आपको चलूँ उससे पहले भैया कि अपना CV अच्छा बनाइए भैया, रेफरेंस अच्छा डालिए। अगर आप इंडिया से नए नए आए हैं तो रेफरेंस लेटर लेके आइए भैया, तो आपको जॉब में क्या ये थोड़ा चेक करते हैं, वो दूसरी बात भैया। तीसरी बात भैया, आपका एकदम पोलाइट रहिए, कपड़े साफ़ सुथरे पहन के जाइए। अरे देखिए ये कैसी CD है भैया, ऑटोमेटिक चलती है। CD का नाम क्या है, उसको अंग्रेजी में नहीं बोलते लेकिन हम उसको ऑटोमेटिक CD बोले तो गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, उसको हमको कमेंट में लिख के बताया। हम लोग कई बार ऐसे ही घूमने आते हैं भैया, और ऐसे CD में ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे उतर जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। देखा भैया तभी आपको दिखाते हैं CD में से ऊपर नीचे कैसे होते हैं। हाँ, यहाँ पे जॉब का इतना सारा वैकेंसी है भैया, हर जगह पे जॉब ही जॉब है। देखिए आपको आराम से मिल जाएगा भैया। तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके उसे लाइक भी कीजिए भैया, और उसे दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको मालूम पड़े, यह हरामखोर एजेंट के चक्कर में मत पड़े भैया।
तो अपने आप यहाँ पे केरला में जॉब ढूंढना एकदम आसान है भैया। इसके अलावा भी हमारा दूसरा चैनल है भैया जी ब्लॉग्स, और उस चैनल पे मैं ज़्यादातर भैया ना कनाडा में इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट का मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ भैया, तो आपको सिखाता हूँ भैया। मैं भी आप ही थी भैया, एक छोटे से गांव में आया था, अपना सूटकेस खाली लेके आया था भैया। तो इतने सालों में हमने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया पता है भैया? हम कोई धीरूभाई अंबानी के बेटे नहीं है भैया, हमने खुद अपने आप से पैदा किया, वो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए भैया आपको ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग की करके आए थे, इंजीनियरिंग की जॉब के लिए भैया रुके रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंथली खर्चा बहुत महंगा रहता है। अगर आपने इंडियन एक्सपेंस इंडिया से पैसे मंगवा के भैया यहाँ पे खर्चा किया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इंडिया का पैसा यहाँ पे है ना, कुछ इतना खर्चा में आपका नहीं होगा, कुछ ना कुछ कोई भी काम मिले भैया आराम से कर लेने का। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मेरी बात होती है भैया व्हाट्सअप कॉल से भैया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना तो मेरे साथ ये नीचे कमेंट में लिखा हुआ है, नहीं तो लिंक ये डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप कॉल भी बुक कर सकते हैं भैया। जब भी मैं स्टूडेंट से व्हाट्सअप कॉल पर बात करता हूँ कई लोगों का भैया, जो इंडिया में होता है ना भैया, तो अपने पिताजी की छत्र छाया में होते हैं, तो बहुत मज़े में होते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर जॉब भी, देखो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आदमी की सख्त ज़रूरत है भैया, सख्त। देखा भैया, न्यू आम्बुशो, यानी कि हमको आदमी की ज़रूरत है, जगह जगह पे ऐसा लिखा हुआ है भैया। तो यहाँ पे ना भैया आपको खुद का खर्चा खुद बनना पड़ेगा, अगर यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं तो कुछ भी वीज़ा पे आए भैया, थोड़ा एडल्ट हो जाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लीजिए भैया। छोटी छोटी बाबतों में पिताजी के बाद जाओगे तो नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हार्ड है भैया। तो वीडियो अच्छा लगे तो किसी और के साथ भी शेयर कर दीजिएगा भैया, ताकि उनको भी अच्छा माहिती मिले कनाडा में लाइफ कैसा है भैया। तो आपका समय के लिए, आपका परदेसी भाई का, आपको यहाँ से मेरा सलाम।